दोस्तों 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसा क्या वजह है कि इसको हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है 14 सितंबर को ही, ऐसे कुछ सवाल उठते हैं जब हिंदी दिवस के बारे में हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इसी के बारे में कि हम पता करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्यों मनाया जाता है हिंदी दिवस। तो आप पूरी वीडियो जरूर देखना। दोस्तों मेरा नाम अनुज, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 6 दिसंबर 1946 को हमारे देश के अंदर एक कमेटी बनी जिसका काम था कि देश का कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बनाने का काम था। दोस्तों जो कमेटी के अध्यक्ष थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, और जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसका जो चेयरमैन बने थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे वो थे भीमराव अम्बेडकर। दोस्तों जो सबसे बड़ी चुनौती थी ये कि वो हमारे देश की आधिकारिक भाषा क्या होगी, मतलब जो भी हमारे पेपर वर्क होंगे वो कौन सी भाषा के अंदर होंगे, कोई भी जो भी नई चीज़ होगी वो कौन सी भाषा के अंदर होगी। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी सामने, क्योंकि हमारे देश के अंदर हजारों सैकड़ों भाषाएँ बोली जाती हैं। हर राज्य के अंदर आप जाओ तो अलग अलग भाषाएँ बोली जाती हैं। हर राज्य की बात भी छोड़ दो, आप राज्य के अंदर, हर राज्य के अंदर आप एक शहर से दूसरे शहर के अंदर जाते हैं तब भी अलग भाषा बोली जाती है। तो इसके अंदर सबसे बड़ी चुनौती इनके पास यही थी कि यार कौन सी भाषा ली जाए। तो जब 14 सितंबर 1949 के अंदर एक ड्राफ्टिंग कमेटी ये फैसला लेकर आई कि जो हमारी आधिकारिक भाषा होगी वो होगी हिंदी और इंग्लिश, और जो हिंदी थी वो थी देवनागरी लिपि से लिखी हुई जो हिंदी थी। हिंदी भी कई प्रकार की होती है, लेकिन जो देवनागरी लिपि से हिंदी बनी हुई है उसी भाषा को हमारी, इसी बात को ध्यान में रखते हुए जवाहरलाल नेहरू जो हमारे उस समय प्रधानमंत्री थे देश के और पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने फैसला किया कि 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाएंगे। और तब से ये ट्रेंड चलता आ रहा है, हर साल 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदी हमारे देश के अंदर सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है और सबसे प्रिय है। जब भी आप कोई भाषा के अंदर देश के अंदर कहीं पर भी चलाते हो हिंदी आपको ओकेजनली मिला, आप हिंदी से रिलेट करती है सभी भाषाएँ, तो हिंदी हमारे काफ़ी ज़्यादा बोली जाती है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है हिंदी दिवस के रूप में। हमें एक जो हमारी आधिकारिक राष्ट्रीय भाषा तो हमारी नहीं बन सकती क्योंकि काफ़ी ज़्यादा विवाद चल रहे हैं इसके ऊपर देश के अंदर, लेकिन ये काफ़ी अच्छी बात है कि हम एक हिंदी को ऐसे आधिकारिक भाषा के रूप में हम चुन रहे हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो वो भी हिंदी के अंदर ही कर रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छी बात है जिस दिवस के अंदर मनाया जाए। इस दिन काफ़ी सारे प्रोग्राम्स होते हैं, जो भी आपके हिंदी जो डिपार्टमेंट होते हैं स्टेट के अंदर उसके अंदर काफ़ी सारे प्रोग्राम होते हैं। इस बार नहीं हो रहे क्योंकि कोरोना को लेकर ये सारी सिचुएशन बन रही है। दोस्तों यही थी वीडियो आज की, आपको मुझे लगा है कि आप मेरे हिसाब से आपको ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। संक्षिप्त में मैंने बताया, मतलब शॉर्ट वीडियो के अंदर रूप में मैंने बताया इन चीज़ों के बारे में। तो आपको कैसी लगी, मैं बार बार इधर उधर देख रहा हूँ तो इधर कुछ लगा हुआ नहीं, बस ऐसे आदत है। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इस वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप मेरी और भी वीडियोज़ आप देखते आए हैं और अगर नहीं देखे तो अभी प्लीज़ देख लीजिए। अगर आपको वो पसंद आए तो आप मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, मैं कभी भी वीडियो लाता हूँ। और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि तब भी मैं वीडियो लाऊँ तब आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।